हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइस ब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का ऊपर, उसका प्रीफर्ड पॉइंट, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज क्या है। और मैं आज डिस्कस करेंगे कैसे मार्केट रिसर्च किया जाता है और मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, कॉल ऑप्शन क्या, कैसे कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आपको कैसे लेना है, उसका ऊपर भी मैं एक्सप्लेन करेंगे आज। तो ये पहले आप देख सकता है, आज मंडे और ये बैंक निफ्टी का पिवट पॉइंट। पहले मैं पिवट पॉइंट के बारे में बात कर लूँ। पिवट पॉइंट आज 25136.55, फर्स्ट रेजिस्टेंस 25352.50, सेकंड रेजिस्टेंस 25569.5 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 25785.45 एंड फर्स्ट सपोर्ट 24919.5, सेकंड सपोर्ट 24703.6 एंड थर्ड सपोर्ट 24486.6। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी, जैसे मैंने पहले ये रेंज दिया था, शायद 1 और 2 वीक पहले ही दिया था मैंने। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक रेंज ही निकाला था। तो रेंज का लास्ट पॉइंट था, आप देख सकते हैं 24582.5, ये रेंज था। ये रेंज में मुझे लगता था यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मार्केट आ गया। अभी हमें कन्फर्म करना है इसको या तोड़ेगा, तोड़ पाएगा या यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक हो होगा, तो उसका ऊपर हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर वीकली देखा जाए तो यहाँ पे हमें जो सपोर्टिंग लाइन मिला है, तो अभी भी आप देख सकते हैं सीसीआई और स्टोस्टिक कंफर्म किया हुआ है, ये और नीचे आने वाला है या यहाँ से अभी वापस करेक्शन होगा या नहीं होगा, उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हमने डेली चार्ट में देखा देखे तो आप देख सकते हैं ये स्टिल डाउन ट्रेंड में ही है। और वीकली में यहाँ जो देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस नीचे आ गया अभी, लेकिन डेली में ये प्राइस तो डाउन ट्रेंड में ही है। तो ये लास्ट पॉइंट है या डाउन ट्रेंड में और नीचे जाने वाला है। तो ये अगर हम देखेंगे तो पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर में, तो 1 आवर में मैंने थोड़ा ड्रॉ करना है। कैसे आपको ड्रॉ करना है, ये जो पहले हायर पॉइंट मुझे मिला और ये हायर पॉइंट, तो ये दोनों हायर पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये दोनों हायर पॉइंट में को कनेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है 100 और एक ट्रेंड लाइन साथ में है, तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लाइन है। तो और एक हम रेजिस्टेंस लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये हायर पॉइंट था, ये हायर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो ये एक रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, और मैंने पहले ही डाला था ये एक सपोर्टिंग लाइन है। तो अभी मार्केट एक ट्राइंगल शेप में ट्रैप हो रहा है यहाँ पे। तो आपको अभी देख सकते हैं यहाँ पे सीसीआई भी 0 लेवल का नीचे और 100 लेवल के नीचे में ही है, और स्टोस्टिक भी थोड़ा कंफर्म कर रहा है कि थोड़ा नीचे आने वाला है। तो फिर भी हम अभी छोटा टाइम फ्रेम में देख सकते हैं यहाँ पे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो प्राइस एक रीजन में अभी ट्रैप में है। तो मार्केट आप देख सकते हैं 1, 2, 3 दिन ये मार्केट पूरा स्लीपिंग मूड में है, तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट तो आया नहीं। तो इसमें आपको पोजीशन कैसे लेना है, तो ये मार्केट कंफर्म किया हुआ है, ये तो डाउन ट्रेंड है और अभी भी हमें कुछ कोई इंडिकेटर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ये अप जाने वाला, मतलब ऊपर जाने वाला कोई इंडिकेटर हमें अभी यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो आपको पोजीशन लेना कहाँ पे है, अगर आप पोजीशन लेना चाहता है तो यहाँ पे पोजीशन अगर आप लेंगे तो ये चीज आप देखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मैं छोटा कर देता, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। आपको पोजीशन बाय की तरफ लेना है तो आप
ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन डाला हुआ है फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन, इसका ऊपर अगर बुलिश कैंडल फॉर्म हो गया, जिसे लेवल होगा आपका 2573 या हाँ 2500 का ऊपर में अगर बुलिश कैंडल फॉर्म हो गया तो यहाँ से आप बाय ले सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर बाय ले लिया तो मुझे लगता है अराउंड आपका 2066 लेवल तक जा सकता है, जो अपर रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है तो अगर यहाँ पे कंफर्म कर दिया बुलिश सिग्नल बना के, और उस समय अगर यहाँ पे बुलिश सिग्नल फॉर्म हुआ उस समय ये जो सीसीआई को भी आप एक बार देख लीजिए, ये जीरो लेवल क्रॉस किया या नहीं किया। अगर जीरो लेवल क्रॉस कर दिया, नीचे से ये जाके जीरो लेवल क्रॉस कर दिया और उस समय यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हो गया, तो आप यहाँ पे बाय ले सकता है। तो और कॉल ऑप्शन के लिए और आपको मुझे लगता है यहाँ पे आप अराउंड 26,000 तक आप टारगेट रख सकता है यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए, बाय के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आ गया, ये जो मैंने सपोर्टिंग लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और सपोर्टिंग लाइन का नीचे में अगर कैंडल फॉर्म हो गया तो आप पुट ऑप्शन में जा सकता है। तो आपका टारगेट रहेगा अराउंड 23,580 का आसपास आपका टारगेट रहेगा। तो 100-200 पॉइंट आपको मिल जाए, 100-150 पॉइंट आपको मिल जाएगा तो पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो अगर हम 5 मिनट में छोटा टाइम फ्रेम में देखें तो आज तो मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन दे रहा है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन दे दिया यहाँ से अराउंड 25180 लेवल तक, और उस समय एक बेयरिश कैंडल अगर फॉर्म हो गया, जैसे ये बुलिश हुआ था, जैसे ये बुलिश था, बाद में रेड कैंडल फॉर्म के एक बेयरिश कॉन्फर्म किया था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ, स्टॉक स्टिक भी कॉन्फर्म किया सेल के लिए और सीसीआई भी सेल के लिए कॉन्फर्म किया। तो ऐसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, साथ में स्टॉक स्टिक भी कॉन्फर्म करेगा सेल के लिए और सीसीआई भी ऊपर जाके फिर से नीचे जीरो लेवल क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पे आप सेल ले सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे सेल लिया तो यहाँ पे अराउंड 24596 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि ये सपोर्टिंग जोन है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं मार्केट। अगर यहाँ पे बुलिश ये लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे बुलिश फॉर्म हो गया तो यहाँ से बाय आप जा सकता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.